नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देने पर आयोग ने 237 नेताओं के खिलाफ की कार्रवाई। पटना से अयोध्या के लिए अब हर दिन मिलेगी हवाई सेवा। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पंजाबी गाने में आएंगी नजर। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। ऋषभ पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देने पर आयोग ने 237 नेताओं के खिलाफ की कार्रवाई। चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देने पर चुनाव आयोग ने 237 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इनके चुनाव लड़ने पर आयोग ने रोक लगा दी है। बताया जाता है कि पूरे देश में 1069 लोगों ने चुनावी खर्च का हिसाब आयोग को नहीं दिया था और इसमें बिहार के 237 नेता शामिल है और इसके बाद इनके चुनाव लड़ने पर आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग साल 2019 और 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रत्याशी है। इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए इनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई है। बिहार से अयोध्या के लिए अब हर दिन मिलेगी हवाई सेवा। पटना से अयोध्या के लिए अब हर दिन हवाई सेवा मिलेगी। इससे राम भक्तों को अयोध्या जाने में काफी आसानी होगी। मालूम हो कि पटना से अयोध्या के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब स्पाइस जेट विमान सेवा की शुरुआत की गई है। हवाई सेवा की शुरुआत हो जाने के बाद पटना से अयोध्या की दूरी लोगों के लिए कम हो जाएगी। पटना और दरभंगा दोनों ही जगहों से अब रामनगरी अयोध्या के लिए विमान सेवा आसानी से मिल जाएगी, जबकि पटना से अयोध्या के लिए हर दिन विमान सेवा मिलेगी। वहीं अयोध्या में बने राम मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या के लिए बिहार से रवाना हो रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सिमुलतला के छात्रों ने नहीं किया कमाल। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी कर दिया गया है। वहीं इसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। साल 2021 की बात करें तो इसके बाद से इनका दबदबा कम होते हुए नजर आ रहा है। टॉप 10 में इस बार सिमुलतला विद्यालय के सिर्फ 10 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है। वहीं टॉप 5 की बात करें तो इसमें सिमुलतला विद्यालय के सिर्फ एक छात्र ने अपनी जगह को कायम किया है। जानकारी के अनुसार टॉपर्स के वेरिफिकेशन के दौरान बिहार बोर्ड की ओर से सिमुलतला के करीब 30 छात्रों को बुलाया गया था। इनमें से प्रथम दो स्थान पर किसी भी छात्र ने अपनी जगह नहीं बनाई। आपको बता दें कि साल 2019 में 18 टॉपर्स में से 17 सिमुलतला विद्यालय के ही थे। वहीं साल 2020 की बात करें तो इस विद्यालय से 20 टॉपर्स साल 2020 में थे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में आई कमी। लोकसभा चुनाव से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कमी देखने को मिली है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। पटना में भी गैस सिलेंडर के दाम में कमी सामने आई है। पटना में आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2039 रुपए में मिलेगा। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 901 रुपए है। लोगों को गैस सिलेंडर के दाम में कमी आने से काफी राहत मिलने वाली है। वहीं इससे पहले मार्च के महीने में महिला दिवस के मौके पर गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पंजाबी गाने में आएगी नजर। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अब पंजाबी गाने में नजर आने वाली है। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के साथ अक्षरा सिंह गाना डिफेंडर में कमाल मचाने वाली है। गाने का पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसके अलावा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी गाने के क्लिप को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और उसके बाद फैंस को ये नई जोड़ी काफी पसंद आ रही है। इधर अभिनेत्री ने कहा है कि भले ही ये गाना पंजाबी है, लेकिन भोजपुरी दर्शकों को ये खूब पसंद आ रहा है। दर्शक अक्षरा सिंह के गाने का बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुपौल के मयंक ने आईपीएल 2024 में दिखाया जलवा। बिहार के सुपौल के मयंक ने आईपीएल 2024 में अपना जलवा बिखेरा है। उनके कारनामों ने सभी का दिल जीत लिया है। लखनऊ टीम के खिलाड़ी मयंक यादव ने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 4 ओवर में 27 गेंद देकर इन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। मालूम हो कि दुनिया के महान गेंदबाज भी इस रिकॉर्ड के बाद उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मयंक यादव ने इस सीजन का सबसे तेज गेंद फेंका है। उनके पहले ही मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मयंक के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। उनका शौक था कि वो क्रिकेटर बने। पहली बार साल 2019 में उनका दिल्ली स्टेट टीम में चयन हुआ था।
कांग्रेस प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद सोमवार को प्रदेश प्रवक्ता अस्तितनाथ तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेता सोनिया गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन्होंने सोनिया गांधी को कम्युनल लीडर तक कह दिया था और उसके बाद अस्तितनाथ तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और उसके पीछे अपना व्यक्तिगत कारण बताया है। वहीं कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे थे, इस कारण ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैमूर में शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। कैमूर में शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां हजारों लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया और इसके साथ ही शराब की भट्टी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। उत्पाद विभाग की ओर से शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाकर शराब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कैमूर पहाड़ी पर 3,900 किलो के जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं शराब के तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। वीना सिंह को लोजपा रामविलास की प्रत्याशी बनाने की चिराग पासवान ने बताई वजह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वीना सिंह को प्रत्याशी बनाने की वजह का खुलासा किया है। दरअसल वीना सिंह कभी पाला बदलकर पशुपति पारस के गुट में शामिल हुई थी और उसके बाद भी चिराग पासवान ने इन्हें लोजपा रामविलास की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि वीना सिंह से मेरी हमेशा शिकायत रहेगी, लेकिन छोटे दिल से कभी राजनीति नहीं की जाती है। माफी मांगने वाले से बड़ा माफी देने वाला होता है। चिराग पासवान ने बताया है कि जब उनकी नानी का निधन हुआ था तब से ही वीना सिंह उनके परिवार का हिस्सा है। उनके परिवार और पार्टी के हर कार्यक्रम में वो पूरी ईमानदारी से शामिल हुई है। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर लालू यादव से किया आग्रह। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने लालू यादव से पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो चुका है। आप सब इसमें शामिल हो और आशीर्वाद दें। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पुनः आग्रह है कि वो महागठबंधन के हित में पूर्णिया सीट पर फिर से विचार करें और ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दें। आरजेडी विधान पार्षद ने सारण से रोहिणी आचार्य की जीत का किया दावा। आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने सारण से रोहिणी आचार्य की जीत का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सारण में जनता रोहिणी आचार्य के साथ है। उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी हवा हवाई के नेता है, इसलिए इस बार उन्हें जमीन पर लाया जाएगा। सुनील कुमार ने कहा कि लालू यादव ने छपड़ा के लिए बहुत कुछ किया है। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया, आज पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। रोहिणी आचार्य छपरा से लालू प्रसाद यादव के कहने पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें। वैशाली के लालगंज विधानसभा से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके एक बयान को लेकर हाईकोर्ट के वकील अमर आजाद ने SC/ST थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वकील की ओर से कहा गया है कि मुन्ना शुक्ला के बयान से अनुसूचित जाति को गहरा आघात हुआ है। उन्होंने मुन्ना शुक्ला के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार इस मामले में फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस बयान के बाद मुन्ना शुक्ला ने बाद में माफी मांगी थी। NDA उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए कुशवाहा ने चुनाव प्रभारियों को किया नियुक्त। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रभारियों की सूची राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश संगठन प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी ने जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि NDA उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी ने 40 नेताओं को लोकसभा प्रभारी मनोनीत कर दिया है और इनमें पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी शामिल है। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में NDA प्रत्याशियों की रिकॉर्ड मतों से जीत के लिए 40 लोकसभा प्रभारियों को मनोनीत किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 1 से 12 तक के दाखिले के लिए प्रक्रिया जारी है। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक किया जा सकता है। 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया CBSE 10वीं के परीक्षा परिणाम के जारी होने के बाद होगी। मालूम हो कि केंद्रीय विद्यालय में आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट
kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर करना होगा। पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 तक कम से कम 6 साल होनी चाहिए। ऋषभ पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के खिलाफ आईपीएल के नियम का उल्लंघन करने की वजह से 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ समय पर ओवर पूरा नहीं किया और इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है, लेकिन नियम का उल्लंघन करना टीम पर भारी पड़ गया। ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और ये आईपीएल के दूसरे कप्तान हैं जिनके खिलाफ जुर्माना लगा है। इनसे पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के द्वारा समय पर ओवर पूरा नहीं करने पर कप्तान ऋषभ पंत पर जुर्माना लगने पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रमन कुमार, कन्हैया कुमार, अजय कुमार तिवारी, गुनर शर्मा, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, अमित कुमार, रवि कुमार राम, संघर्ष कुमार, राकेश मिश्रा, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार बोर्ड में 10वीं का अच्छा रिजल्ट आने का क्या कारण हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।